हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट। वी आर गोइंग टू स्टडी हिंदी। नाउ टेक आउट योर हिंदी बुक एंड ओपन चैप्टर नंबर 5, शब्द। ओके, आज हम पढ़ेंगे शब्द। पहले जानें शब्द किसे कहते हैं। ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। जब सर्वान ध्वनि समूह कोई अर्थ दें तभी वह शब्द बन पाता है। ओके, तो हमने बताया शब्द किसे कहते हैं। ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। शब्द कैसे बनते हैं, वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे यश प्लस ए प्लस रा प्लस आ, इसको हम जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, शेर। ओके, नंबर 2 इसी तरह ले लीजिए, केला का प्लस ए प्लस ला प्लस आ, इसको हम जोड़ेंगे ये क्या बनेगा, केला। इसी तरह ले लीजिए, मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, ये क्या बन गया, माला। ओके, तो शेर केला माला, ये जो आप बनाते हैं ये आपका होता है वर्ण, और फिर ये जो है ये हमारा है शब्द। ओके, तो हमें यही पढ़ाना, वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, माला, शेर केला माला, ये आपका है, ये वर्ण है और ये शब्द। तो वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं। तो अर्थ के आधार पर, जैसे देखिए शब्द किसे कहते हैं, ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। बोलते समय कभी कभी हम किसी शब्द के साथ दूसरी मिलती जुलती ध्वनि बोलते हैं, जैसे चाय वाय, पानी वानी, रोटी वोटी आदि। इनमें पहले वर्ण समूह का तो अर्थ होता है परंतु दूसरे वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे चाय आपका सार्थक शब्द है और वाय निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा जाता है, पहला सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। देखिए दिया हुआ है पहला सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय रोटी पानी मकान आदि। नेक्स्ट है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय वोटी पानी वाणी मकान आदि। सॉरी ये वाणी है, वाणी मकान आदि। ओके, तो चाय वाय रोटी वोटी पानी वाणी मकान वकान। ओके, व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। अनेक निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ प्रयुक्त होने पर सार्वान हो जाया करते हैं तथा उनका अर्थ आदि और कुछ से लगाया जाता है, परंतु वे स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं रखते। जैसे पानी वाणी, पानी आपका सार्थक शब्द है और वाणी निरर्थक। यहाँ वाणी का अर्थ और कुछ, परंतु वाणी स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने पर कुछ कोई अर्थ नहीं देता। ओके, तो आज हमने पढ़ा है शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, अनेक वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, सार्थक शब्द निरर्थक शब्द। ओके, तो आप सब इसे ध्यान करेंगे, शब्द किसे कहते हैं। ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। सो इससे जैसा मैंने बताया था आपको, ये देखिए ये आपका है वर्ण। ओके, इसे हम बोलते हैं वर्ण और ये बनेगा आपका शब्द। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करवाएंगे। इससे पहले आप शब्द की परिभाषा लर्न करेंगे, शब्द किसे कहते हैं। ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। ओके, थैंक यू।